हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम है रोहन और आप देख रहे हो चैनल रेसलिंग हिंदी न्यूज। तो बहुत लंबे टाइम के बाद आज की इस वीडियो में जाने के लिए मिलेंगे आप सभी को कुछ WWE से जुड़ी फ्रेश एंड इंटरेस्टिंग अपडेट्स, क्योंकि इस वीडियो में बात करेंगे ब्रॉक लेसनर जरूर बनेंगे WWE चैंपियन एट स्मैकडाउन लाइव फॉक्स नेटवर्क एपिसोड। इसके अलावा बात करेंगे न्यू स्टेजेस के बारे में जो कि काफ़ी जल्दी आने वाले हैं रॉ एंड स्मैकडाउन लाइव के। और आज की फाइनल अपडेट में जैसे मैंने कहा, आज हम बात करेंगे सेथ रॉलिंस वर्सेज द फिएंड के मैच के यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच के बारे में, जिसके कुछ हाईलाइट्स आ चुके हैं हम सभी के सामने निकलकर सामने। और यह मैच था एक लाइव इवेंट का पार्ट, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि आज के इस वीडियो में जानने के लिए मिलेंगी आप सभी को कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग एंड फ्रेश अपडेट। तो कुल मिलाकर को ये वीडियो बहुत ही कमाल की होगी, एज ऐसे आप इसे लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले आज की इस वीडियो में बात कर लेते हैं ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोफी किंगस्टन के मैच के बारे में, जो कि हमें स्मैकडाउन लाइव के फॉक्स नेटवर्क के डेब्यू एपिसोड में दिखाई देने वाला। और यहां पर आपको बता दूं, सभी रिपोर्ट्स का मानना यह है कि ब्रॉक लेसनर काफी आसानी से चैंपियन बनने वाले हैं और वो काफी बुरी हालत कर देंगे कोफी किंगस्टन को। वैसे काफी अच्छी हाइप बना दी है यहां पर ऑलरेडी WWE ने कि स्मैकडाउन लाइव के फॉक्स नेटवर्क के एपिसोड को देखना इंटरेस्टिंग होगा, प्लस वहां पर ब्रॉक लेसनर होंगे, WWE चैंपियनशिप का मैच होने वाला है और यह मैच होगा कोफी किंगस्टन के खिलाफ। तो मुझे भी ऐसे चांसेस काफी ज्यादा लगते हैं कि ब्रॉक लेसनर काफी आसानी से हराने वाले कोफी किंगस्टन को और वो बन जाएंगे एक बार फिर से WWE चैंपियन। लेकिन इसके अलावा बात कर लें आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ी है न्यू स्टेजेस के बारे में जो कि आने वाले हैं काफी जल्दी मंडे नाइट रॉ एंड स्मैकडाउन लाइव के एपिसोड में। आपको बता दूं, रेसल वर्ल्ड की तरफ से अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि इस हफ्ते जो हमने स्मैकडाउन लाइव एंड रॉ एपिसोड के स्टेजेस देखे वो लास्ट टाइम हमने देखे थे, और अगले स्मैकडाउन लाइव एंड रॉ के एपिसोड से हमें स्टेजेस में काफी बदलाव दिखाई देने वाला है। और स्मैकडाउन लाइव के फॉक्स नेटवर्क का जो डेब्यू का एपिसोड है उसमें भी हमें काफी चेंजेस दिखाई देने वाले हैं, और जो स्टेजेस होने वाले हैं वो काफी अलग होने वाले हैं पिछले हफ्ते के मुकाबले। यानी कि मैं भी काफी ज्यादा खुश हूं कि WWE अपने आप में इंप्रूवमेंट ला रही है, अपने आप में चेंजेस ला रही है, और नेक्स्ट स्मैकडाउन लाइव एंड रॉ के एपिसोड में आई होप सो हमें न्यू स्टेजेस जरूर दिखाई देंगे। लेकिन इसके अलावा बात कर लें आज की हमारी फाइनल एंड सबसे बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ी है सेथ रॉलिंस वर्सेस द फिएंड के बारे में, इसके अलावा उनके यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच के बारे में जो कि हुआ था कैलगरी के लाइव इवेंट में। आपको बता दो, लाइव इवेंट हुआ था जहां पर हमें इन दोनों मैच दिखाई दिया। यहां पर द फिएंड काफी स्ट्रांग दिखाई दे, क्योंकि मैच में क्या होता है सेथ रॉलिंस काफी बार कर्व स्टॉम देते हैं फिएंड को, लेकिन वो लगातार खड़े होते जाते हैं और मैच की एंडिंग में कुछ इस तरीके से होता है रिंग पोस्ट के घर चलते यहां पर हमें डिस्क्वालिफिकेशन दिखाई दे जाती है और द फिएंड और सेथ रॉलिंस का मैच डिस्क्वालीफाई तो हो जाता है, लेकिन सेथ रॉलिंस लगातार जैसे मैंने कहा कर्व स्टॉम देते हैं, द फिएंड खड़े होते हैं और अचानक से जब वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप है सेथ रॉलिंस अपने हाथ में पकड़ते हैं और ब्रे वायर जब लेटे होते हैं उनके फेस पे काफी कुछ कहते हैं और अचानक से लाइट्स ऑफ होती हैं और ब्रे वायर भी हो जाते हैं सेथ रॉलिंस के ऊपर, और उसके बाद जब लाइट्स ऑन होती है हमें सिर्फ सेथ रॉलिंस रिंग के अंदर दिखाई देते हैं और ब्रे वायट की हवसी हमें पूरे एरिया के अंदर गूंजते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं WWE फिएंड को काफी तगड़ी तरह बुक कर रही है, क्योंकि अगर कोई सुपरस्टार लगातार कर्व स्टॉम खाने के बाद भी उठता है तो सही में कमाल की बात है। देखते हैं बाकी हेल इन अ सेल के पे पर व्यू में क्या कुछ हमें बड़ी चीजें एंड धमाकेदार चीजें दिखाई देती हैं। तो बस यार आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, आई होप सो इस वीडियो को देख के आपको मजा आया तो नीचे जाकर वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट क्योंकि आप लोग मुझे जरूर बता सकते हो आपके ये थॉट्स हैं आज के इन कुछ तगड़ी अपडेट्स के बारे में, सेथ रॉलिंस वर्सेस द फिएंड के मैच के बारे में। साथ ही साथ कर सकते हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि इन फ्यूचर आपको WWE रेसलिंग से जुड़ी ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग एंड फ्रेश अपडेट्स डेली जानने को मिलती रहे। तो मिलता हूं आपसे अगले से धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।